प्रयागराज में बहुत चर्चित गोलीकांड का मुख्य आरोपी समेत तीनों अभियुक्त देर शाम गिरफ्तार कर दिए। प्रयागराज पुलिस और एसओजी की टीम लगातार आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अन्य जनपदों समेत कई जगहों पर दबिश दी, जिसके सुराग मिलने पर देर शाम कल आरोपी और उसके सहयोगी की गिरफ्तारी हो गई। मामले में कार्रवाई करते हुए तुमनगंज थाना ने अभियुक्त की गिरफ्तारी की। इसके साथ ही एसपी सिटी समेत कई अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी कि घटना को वारदात करने के बाद युवक एक ही जगह पर ठिकाने नहीं बनाता था, अलग अलग जगह पर रुकता था, लेकिन एसओजी की टीम और पूछताछ के बाद सारे नेटवर्कों के माध्यम से युवक की गिरफ्तारी हुई। जो मुख्य आरोपी है वो आबकारी से निलंबित सिपाही है, विभाग से उसके ऊपर कार्रवाई की गई, उसकी बर्खास्ती कर दी गई है। इसके साथ साथ मामले में मुकदमा पंजीकृत 302 का हुआ है, जिसमें एक लोग की मौत हो गई है और तीन का भी इलाज जारी है। मुकदमे में मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की गई, मामले में युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पिछले महीने के 30 तारीख में कीटगंज थाना क्षेत्र में एक दुस्साहसिक घटना हुई थी। इसमें आबकारी विभाग के एक आरक्षी, निलंबित आरक्षी है विमलेश पांडे, उसने सामने ही उनकी चाट की दुकान वाले कुछ भाई, दो भाई थे, कुछ और लोग थे राहगीर, उनको किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसमें इसने अपने रिवाल्वर, लाइसेंसी रिवाल्वर है, उससे फायर किए थे। उसमें चार लोग इंजर्ड हुए थे, एक की इलाज के दौरान डेथ हो गई, बाकी लोग अभी उपचाराधीन हैं। इनके खिलाफ़ हम लोगों ने मुकदमा लिखा हुआ है और हमारी सर्विलांस टीम लगी हुई थी और आज हम लोगों ने इनको जो है अरेस्ट किया है। तीनों जो हैं सतीश पांडे हैं, विमलेश पांडे हैं और तीसरा जो लाली है, जो उस मकान में जो रहता है पहले से, इनको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। और इसमें हम लोगों ने आला कतल जो रिवाल्वर है इसका लाइसेंसी, उसको भी बरामद किया है और हम लोग इनको जेल भेज रहे हैं और इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और इसमें अगर और भी कोई लोग इनका कोई सहयोग या योगदान दिखेगा तो हम लोग उनके खिलाफ भी कार्रवाई। किस तरीके का विवाद सामने आया ये देखिए, इनको पहले से भी इनकी कई बात को लेकर इनका झगड़ा हो चुका था और अभी जो सामने जो मकान उनका बना है, जो मृतकों के सामने, मृतक जो है उनके सामने, उस पर इन लोगों का कुछ लोग बैठते थे। इनका कहना है कि किराए पर वहाँ उसको 1500 रुपये महीने लाली को किराए पर भी किराया देते थे, किराए दुकान ले रखी थी वो सामने वाला जो कमरा है। और एक आम एक बातचीत यह है कि वो मकान पे कब्जे की इनकी नियत थी उसको, और उनको एतराज़ था। आरोपी की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? ये शहर में ही मैंने आपको प्रेस नोट दिया है, उसमें घटनास्थल लिखा है। बेसिकली सरेंडर के इरादे से शहर में आए थे और हमारी पुलिस लगी थी, हम लोग को काम कर रहे थे इनके, तो उसी क्रम में क्या इनाम भी हाँ, इन पे 25-25 हज़ार रुपये का इनाम हमारे SSP साहब ने कर रखा था पहले से। उसके अलावा हम इन लोगों को, जो टीम हमारी गिरफ्तारी में लगी हुई थी, इनको हम लोग अन्य जो है नकद पुरस्कार और उससे भी सम्मानित करेंगे। तीनों आरोपियों को 25-25 जी, तीनों पे 25-25 की खाली, दो जो मेन थे उस पे। विमलेश को तो निलंबित कर दिया गया सर? हाँ, विमलेश पहले से निलंबित है, आबकारी विभाग में वो है, उस पे कुछ चार्ज किसी ने लगाए थे, उस केस में वो सस्पेंडेड हैं। ठीक, थैंक यू सर। Thank you.